ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। वार्निंग, इस शो में दिखाए जाने वाले स्टंट्स आप ना दोहराएं तो अच्छा होगा, क्योंकि उसका अंजाम दर्दनाक हो सकता है, और दर्द से आप उभर भी गए तो बेइज्जती का दाग जिंदगी भर रह सकता है। वैसे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पीछे मुड़ के देखना अच्छी बात नहीं है, अब जो गया सो गया, अब आगे देखने का टाइम है अपने टीवी सेट्स को, क्योंकि प्रोफेसर मनीष अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ऑफ स्टूपिड सीजन 3, जहां है फन अनलिमिटेड और साइंस एकदम फ्री। सो पे अटेंशन दोस्तों, साइंस ऑफ स्टूपिड का बुखार है ऐसा जिसमें आजकल हर कोई डूबा है, क्योंकि यहां होती है स्टूपिडिटी वाली मस्ती विद साइंस एक्सप्लेनेशन। हम करते हैं ऑपरेशन ऐसे नमूनों की हरकतों का और बताते हैं आपको उन हरकतों को ठीक से करने का तरीका, साथ ही आपको समझाते हैं कई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जिनका ऐसे नमूनों से कोई लेना देना नहीं है। अब इस चक्कर घनी को देख लीजिए, साइंस हर जगह है दोस्तों, बस उसकी मार तभी पड़ती है जब हम उससे पंगा लेते हैं। फिर आप कहीं भी हो, किसी भी वक्त आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है, तो दिल थाम के बैठिए, शुरू हो रहा है साइंस ऑफ स्टूपिड। आज के एपिसोड में कहीं साइकिल का गिरना तो कहीं मोटी मेम साहब का फिसलना, उई माँ घोड़े पे चढ़ना क्यों पड़ गया भारी, भाइयों घोड़े से पंगा मत लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी, तकिया जब लेता है हथियार का रूप तो कितना भारी पड़ता है, घायल हो गए। पर पहले ये देखिए, यार एक बात बताए, क्या बीच में ट्रैफिक पुलिस तैनात होनी चाहिए? क्या बीचेस पे भी सिग्नल टाइम पर भी ध्यान देना है? पर कभी कभी स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो टाइम कहाँ होता है? शुक्र मनाइए, इस घटना में किसी को चोट नहीं लगी, पर इससे हमने ये सीख ली कि समुद्र में सेल्फी खिंचवाने जाओगे तो फिश नहीं सेल्फिश लोग ही मिलेंगे। अब इन्हें देखिए, अरे भाई साहब साफ कर रहे हो, मुझे लगता है इसमें मिस्टर इंडिया बैठे थे और वो निकल लिए एक्सपेरिमेंट करने। मिस्टर इंडिया मोकेम्बो खुश हुआ। बैले एक क्लासिकल डांस फॉर्म जिसमें होते हैं खूबसूरत जेस्चर्स, प्रिसाइस मूवमेंट, ग्रेसफुल पोस्चर्स, बेहतरीन फ्लो, पर हम ऐसा कुछ नहीं दिखाने वाले। हमारे शो स्टार तो ऐसे लोग हैं जिन्हें ना बैले से लेना देना है और ना बल्ले बल्ले से, पर कोशिश सब करने की करते हैं। वेरी गुड। बैले में एक क्लासिकल डांस मूव है पिरुएट, टो केबल अपनी एक्सिस पर लट्टू की तरह घूमना, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है पर करने में उतना ही मुश्किल है, पर हो सकता है साइंस सीखने के बाद और प्रैक्टिस से आप भी सीख जाएं। डांसर फुट पुश करके टो पर आती है और रोटेशन शुरू करती है, अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्टली फुट के ऊपर रखने से वो स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। जायरोस्कोपिक इफेक्ट यानी कि उसका स्पिन उसे सीधे रखने में मदद करता है, और हाथों को मोड़कर बॉडी के पास रखने से रोटेशन की स्पीड बढ़ाई जाती है। तो बस अपने एक्सेस पर रहने के लिए जायरोस्कोपिक इफेक्ट को कंट्रोल में रखिए और बन जाइए बैले एक्सपर्ट। नहीं नहीं, पर प्रैक्टिस भी जरूरी है। देखिए घूम तो अच्छा रही है, लेकिन इसको देख के लग रहा है ये कहेगी तू चल मैं नाक लाई जमीन के लिए। अब आप सोच रहे हैं परफॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन इनमें से हमारी स्टार कौन है? ध्यान से देखिए, हाँ यही है हमारी स्टार, इसके लिए तालियां भी बज रही है। वेरी नाइस, यू आर आवर स्टार रिसर्चर। आपको क्या लगता है बैले करते हुए सिर्फ लड़कियां फिसलती हैं? नहीं, कुछ लड़के भी हैं जो इसमें अपनी तशरीफ लाना चाहते हैं। मैडम घर पे योगा करें, कोई जिमिंग कर लें, आप क्यों अपनी बेइज्जती की वीडियो बना रही हैं? लीजिए ये तो शवासन करने लगी। वैसे आपको डांस सूट करेगा सनी पाजी वाला, मैं बता रहा हूँ आप उनको टक्कर दे सकती हैं। जी हाँ, ये टेक्निक थोड़ी टफ है, इसीलिए अगर आप चाहें
तो अपने पार्टनर की भी मदद ले सकते हैं। देखिए, अपने तो अपने होते हैं, उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, पर वो आप पर कितना कर सकते हैं? ए? ये क्या था? सिखाने का इनाम सीधा गाल पर। ओ, जालिम बैले डांस। वाह, मैं तो बैले डांस करूंगी, साथ में अपने कुत्ते को भी सिखाऊंगी। कुत्ते ने कहा, चल हट, मैं क्यों सीखूं, तू जा पानी में। लोगों के सामने तो बेइज्जती हुई हुई, कुत्ते के सामने भी पानी पानी हो गई। आइए देखते हैं वो ट्रिक जिसके दम पर बंदे ने SOS में एंट्री पाई, और वो है ये। दरअसल इसने हमें दिखाया टर्निंग इफेक्ट, जिसे कहते हैं मोमेंट। आइए समझते हैं इसकी साइंस। दरअसल बॉल को जगलिंग करते हुए जनाब एक ट्रिक ट्राई कर रहे थे, जिसे कहते हैं अराउंड द वर्ल्ड। और फुदकुमल जब कूदने लगा तो देखिए कैसे उसका एक पैर आ गया बॉल के ऊपर और दूसरा पैर था हवा में। भाई, बॉल का काम है घूमना, और वो हो गई साइड में, और बेस ऑफ सपोर्ट सेंटर ऑफ मास से हो गया बाहर, और ट्रिक मास्टर जमीन पर धूल चाटने गिर गया। पिलोज, रात में गर्दन के नीचे रखकर सुकून भरी नींद देता है पिलो। मखमली रूई का एहसास मीठे मीठे सपनों में ले जाता है। पर जंगल में साइकिल, ओए होए होए, क्या बात है, जंगल में साइकिल मतलब मंगल ही मंगल। वेल, पर इनको मजा आ रहा है और हमें भी आ रहा है। मुझे लगता है मजे के लिए स्पीड कुछ ज्यादा नहीं है। देख भाई, या तो कुछ करके दिखा या कुछ बता। वेरी नाइस। सुहाना सफर, पर सुहाने सफर में मुंह तोड़ाने की कसम क्यों खाते हो? आपका निकल लिए दिख नहीं रहा, पहले खड्डे हो रखे, कोई ना कोई आपकी तरह लमलेट हुआ होगा। अब इनको देखो, अबे जॉगिंग कर ले अगर सेहत बनानी है, ये क्या पेड़ में घुस रही है अबे। बर्फ में साइकिल चलाना मतलब जानबूझकर दीवार पे सर मारना, फिर भी हमारे स्टूपिड ये काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं बर्फ पे। भैया क्या करे, लाइसेंस होल्डर है, ऐसे ही मुश्किल काम करते हैं इसलिए। पर मुश्किल क्यों है इसकी साइंस मैं बताता हूँ। कॉम्पैक्टेड स्नो या आइस पर साइकिलिंग करना मतलब व्हील्स और ग्राउंड के बीच कम फ्रिक्शन होना, और ये जब ढलान में होता है तो मोमेंटम बहुत जल्दी बनता है, पर फ्रिक्शन कम होने की वजह से स्पीड कम करने में दिक्कत होती है और डायरेक्शन चेंज करने में भी। साइंस समझने के बाद और कॉमन सेंस से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फ पर साइकिल चलाने से बड़ी स्टूपिडिटी और कोई नहीं हो सकती। इस बर्फीले पैच पर इन साइक्लिस्ट को कितनी दिक्कत होगी, इन्होंने सोचा नहीं था, पर अब एक्सपीरियंस कर लिया है। आओ, एक के साथ एक फ्री, आते जाओ गिरते जाओ, वेरी नाइस, बढ़ते जाओ। सही कहा है किसी ने, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। शुरुआत तो अच्छी है, पर आगे दिखाता हूँ क्या हुआ। सिर्फ साइकिल है भाई, हमारे कीमती स्टूपिड कहाँ है? अरे बर्फ तो नहीं खा गई उन्हें या आसमान निकल गया? अबे कहाँ है बे, ढूंढो। एक स्टूपिड ने पूछा, अच्छा स्नोफॉल के तुरंत बाद अगर साइकिल चलाया जाए तो भी दिक्कत आएगी? हमने उसे कहा, गुरुजी आपका तो वीडियो बनाना पड़ेगा, और हमने ये बनाया। अरे भैया, ताजा ताजा स्नोफॉल हुआ है, अब उसमें साइकिल लेके निकलोगे तो यही होगा। अब गड्ढे में घर बसा लो अपना, कह दिया कायदे से। साइक्लिस्ट ने मोमेंटम तो अच्छा गेन किया था, पर बर्फ धस रही थी और बर्फ के अंदर छुपे ऑब्स्टिकल रास्ता और कठिन बना रहे थे। पर इस स्टूपिड के सवाल ने हमें अच्छा वीडियो दे दिया। अबे ऐसे सोचते रहा करो, मैं तो कह रहा हूँ घर जाओ आइसक्रीम खाओ। अब इस वाले का सवाल था, क्या स्पीड स्नो में काम आएगी? आ गई, अबे नाक तुड़वाने की। नकोरे नको बाबा, इसका भी एक सवाल था। अरे इसको अच्छा जवाब मिला इसके सवाल का, इसके बाद इसने सवाल करने ही बंद कर दिए। तो स्टूपिड भक्तजनों, स्पीड कम नहीं होगी, क्योंकि पता नहीं आपको कब मुलायम बर्फ मिल जाए और आपका लट्टू बन जाए। अरे आपको क्या लगता है हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंटर्स की कमी है? ये देखिए और इसे देखिए, हमारे देश के कई शहरों में बिजली की कटौती होती है, अब पानी टाइम पे नहीं आता, पर SOS में स्टूपिडिटी का सप्लाई हमेशा आता रहता है, कोई कटौती ही नहीं है भैया। साइंस का डोज तो ठीक है, पर इन स्टूपिड्स का बोझ उठाते उठाते मैं थक गया हूँ। लेट्स टेक अ ब्रेक टू रिफ्रेश द ब्रेन। जंगली घोड़ों को काबू करना बच्चों का खेल नहीं है। कभी कभी जवान पालतू घोड़ों को भी अपनी पीठ पर किसी को बैठाना पसंद नहीं आता, और कभी कभी जो बैठा होता है घोड़े को वो ही पसंद नहीं आता। लगता है बंदा बदबू मार रहा था, घोड़े से बर्दाश्त नहीं हुई और पटक दिया।
बचपन में साइकिल चलाना सीखने में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता था उस पर चढ़ना। हॉर्स राइडिंग एंथुजियास्ट के लिए भी शुरुआत में घोड़े पे चढ़ना आसान नहीं होता, और वो भी बिना सैडल के। इसीलिए साइन सीख लीजिए, फिर ट्राई कीजिए। सबसे पहले पैरों से नीचे पुश करके वर्टिकल मोमेंटम जनरेट होता है। घोड़े की पीठ को नीचे पुल करके एक लेग ऊपर को स्विंग करने से एक अलग मोमेंटम क्रिएट होता है, जो राइडर की बॉडी को घोड़े के ऊपर से रोटेट करता है। सेंटर ऑफ मास लो और सीधे बैक के ऊपर रखने से राइडर कम से कम एफर्ट में घोड़े के ऊपर होता है। अरे तो आपको वर्टिकल और एंगुलर मोमेंटम जेनरेट करना है और सेंटर ऑफ मास सही पोजीशन पर रखना है, फिर देखिए आपको घोड़ी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। पर अगर जरा सी भी चूक हुई तो आप खाएंगे घास और घोड़ा दौड़ेगा बिंदास। अरे मैडम, मैं कहूंगा पहले साइन सीख लो फिर चढ़ना कोई। अरे देखो लमलेट हो गई, हाउ क्वीट, आई मीन क्यूट। भाई इसको लगता है घोड़े पे चढ़ने का काम सिर्फ मर्दों का है। लीजिए। ले भैया, बड़ा मर्द बना तू टांगे वाला। असल में क्या है, इसकी शादी होने वाली है, इसने कहा थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अबे तेरा तो मैं कह रहा हूँ रिजल्ट आने वाला होगा, पहले मुँह काला हो लिया तेरा, निकल ले यहाँ से। देखिए जितनी आपकी पैंट नीचे सरक रही है, आप घोड़े पे चढ़ना छोड़े और अपनी पैंट का ध्यान दें, और फिलहाल तो अपने मुंह का ध्यान दें जो काला हो गया है। अब गलती कहाँ हुई, असल में ये बिल्कुल स्टूपिड है। पहले तो तुमने सैडल गलत हाथ से पकड़ा और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी गलत है, इसीलिए वेट गया लेफ्ट की तरफ और टर्निंग इफेक्ट के साथ भाई साहब सीधे नीचे। घोड़ा आशीर्वाद देगा। कौन कहता है स्टूपिडिटी से सिर्फ उल्टे काम ही होते हैं? अरे भाई, उल्टा होकर स्टूपिडिटी करने से कभी कभी फैंटास्टिक काम भी हो जाता है, ये देखिए। नहीं पर ये बताओ, अब तुम आ रही हो कि जा रही हो? लोग कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। कार्टव्हील एक ऐसा जिम्नास्टिक मूवमेंट जिसे देखकर हर किसी की चाहत होती है, काश हवा में मैं भी ऐसी गुलाटी खा पाता। लेकिन सिर्फ चाहत रखने से कुछ नहीं होता। जब आपकी चाहत के साथ स्टूपिड एक्ट जुड़ता है तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। लीजिए, शो ऑफ का जमाना है भाई, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, पर जब साइंस की मार पड़ती है तो सारा शो ऑफ ऑफ हो जाता है। बेटा हो गई कन्याओं के सामने 100% बेइज्जती। साइंस की पटकनी इतनी खतरनाक होती है कि कभी कभी आपको होश ही नहीं रहता कि आपके साथ हो क्या रहा है। भाई गॉड, जिस तरह ये गिरा है रुकते ही बोलेगा मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। Well, इन स्टूपिड दोस्तों को देखकर तो हम कभी भी इस टेक्निक के पास नहीं पहुंच सकते। अपनी बॉडी को एक व्हील की तरह घुमाने के लिए चाहिए कंट्रोल्ड एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले आपको दिखाता हूं एरियल कार्ट व्हील, जिसमें हाथों को जमीन पे बिना छुए रोटेशन किया जाता है। ध्यान से देखिए इसकी साइंस। जिम्नास्ट ग्राउंड को ज्यादा से ज्यादा पुश करती है ताकि जितना हो सके उतना एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो। इससे फास्ट रोटेट होने में मदद मिलती है। पैरों को खोलकर ग्राउंड पुश करने से दूसरी तरफ पैर टच करने का टाइम कम हो जाता है, ताकि ग्रेविटी आंटी को इसे नीचे खींचने का कम टाइम मिले। तो एंगुलर मोमेंटम को परफेक्ट टेक्निक के साथ मैच कर दिया तो ग्रेविटी आंटी आपको इतनी जल्दी नीचे खींचेंगी कि साइंस मौसी का नाम लेके कुछ ट्राई करना चाहते हैं। अरे पर पहले ये तो देख लेते हैं। भाई इस फुदकू राम को ग्रेविटी आंटी की ताकत का अंदाजा नहीं है। बेटा ये तो अच्छा हुआ नीचे गद्दा था, वरना सीधा अस्पताल में लैंडिंग होती। ओहो, ब्रूसली की थर्ड कजन मारी जंप। लेकिन बेटा पहले साइंस समझ लेते, ग्रेविटी आंटी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। वाकई ग्रेविटी से लड़ना मुश्किल तो है, एरियल कार्टव्हील हर एक के बस की बात नहीं है। तो चलिए ठीक है, हाथों से जमीन को पुश करके ग्रेविटी को काउंटर एक्ट करते हैं और एक परफेक्ट कार्टव्हील करने की साइंस देखते हैं। ये देखिए, ये अभी एक व्हील की तरह लग रही है, परफेक्ट एंगुलर मोमेंटम। जब ये उल्टा होती है तो हाथों से वेट को सपोर्ट मिलता है और रोटेशन से इनके पैर गोल घूमकर फिर से ग्राउंड में आ जाते हैं। क्या बात है,
साइंस तकरीबन एक जैसी ही है, बस इसमें आपको नीचे खींचने के लिए ग्रेविटी आंटी का असर कम हो गया है, पर अभी भी कितने से कर पाएंगे? ओहो, पार्टी ड्रेस में ऐसे काम, मैडम क्या हो गया? अरे बोर आ गई हो का? अरे सोच वोच के कुछ करो। अरे कूल बनने की कोशिश में तुम तो फेल हो गई और अपना पपलू बना लिया। भाई कईयों को जब जिंदगी में डिग्री मिलती है तो उससे ज्यादा खुशी का दिन और कोई नहीं होता। अरे जश्न तो मना रहा है लेकिन इस स्लोप ने इस भाई के जश्न पर ग्रहण लगा दिया। लीजिए, डिग्री मिलते ही कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया, भाई ने फिर से घर पे ट्राई किया। आपको एक और डिग्री देते हैं, मास्टर ऑफ स्टूपिड। बिल्ली ने कहा, मेरा मालिक तो रोज ही हरकतें करता, मैं हीलू भी। स्टूपिड स्टूपिड सब करें, आईना देखे ना कोई, जो खुद को इंटेलिजेंट कहे सबसे स्टूपिड वही होए। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। चलिए आज के लिए इतना ही। आप SOS देखते रहें और खुद का स्टूपिडिटी मीटर चेक करते रहें। आप इन स्टंट्स को करके खुद को बेवकूफ साबित ना करें, और अगर ऐसी हरकत करी तो आपको तो पता ही है। वेल, इसलिए कहता हूं, बी सेफ, टेक केयर एंड डोंट यू लेट।